आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते? अगर नहीं तो हो सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS की समस्या हो। ये प्रॉब्लम आजकल महिलाओं में और खासकर यंग लड़कियों में काफी देखी जा रही है। PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरी में छोटी बड़ी गांठें बनने लगती हैं और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता ही जाता है, जिससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स की परेशानी देखने को मिलती है। पहले जानते हैं इसकी वजह क्या है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होना, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा मात्रा में फैटी स्वीट जंक फूड और प्रिजर्वेटिव फूड खाना, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। अब बात PCOS के लक्षणों की। पीरियड्स का इरेगुलर होना, कम मात्रा में या ना होना, चेहरे और शरीर पर अधिक बालों का आना और पिंपल्स होना, प्रेगनेंसी में परेशानी या बार बार गर्भपात होना, तेजी से वेट बढ़ना, सेक्सुअल डिजायर में कमी होना, बालों का तेजी से झड़ना और डैंड्रफ की समस्या होना, पेट में दर्द, इमोशनली अनस्टेबल या चिड़चिड़ापन। आपको बता दें कि PCOS के भी तीन टाइप होते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंट PCOS, जो इंसुलिन लेवल इम्बैलेंस होने के कारण होता है। इम्यून रिलेटेड PCOS, जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। और पोस्ट पिल PCOS, जो लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण होता है। और अगर इसका समय रहते इलाज नहीं करवाया गया तो आपको टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, लीवर में सूजन, स्लीप एपनिया यानी सोते समय सांस लेने में दिक्कत, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने पर यूटरस कैंसर तक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये तो बात हो गई इसके लक्षणों और परेशानियों की। PCOS के घरेलू इलाजों के बारे में भी आपको बताते हैं। एक एक चम्मच दालचीनी, अलसी के बीजों को पानी के साथ लेने से इंसुलिन लेवल को बढ़ने और एंड्रोजन हार्मोन्स को कम किया जा सकता है। पुदीने की चाय भी PCOS से राहत दिलाने में कारगर साबित है। मेथी और मुलेठी भी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं। इसके साथ ही डेली एक्सरसाइज, योग और फिजिकल एक्टिविटीज से आप PCOS से राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम सीरियस होने लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। और ऐसे ही जरूरत की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।